जय हिंद। पीपल का पेड़ जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र पेड़ माना जाता है, इस पेड़ की लोग पूजा करते हैं और लोगों का मानना है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। क्या सच में पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है और आखिर लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं? इन सभी चीज़ों को जानने से पहले साइंस इसके बारे में क्या कहता है, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। साइंस का कहना है कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि ड्राई क्लाइमेट में पाया जाता है। दुनिया में पाए जाने वाला अधिकतर पेड़ पौधे दिन के समय में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टोमेटा की सहायता से इनहेल करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन को स्टोमेटा के सहायता से एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देते हैं। लेकिन अधिकतर पेड़ पौधे रात के समय में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि रात के समय में एटमॉस्फेयर से CO2 को इनहेल करता है और एटमॉस्फेयर में CO2 के अमाउंट को कम करता है। हालांकि वह ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन वह एटमॉस्फेयर से CO2 को इनहेल करता है। चूँकि रात के समय में कोई भी पेड़ CO2 को इनहेल नहीं करता है, उस समय में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पीपल का पेड़ हमारे लिए इतना अधिक फायदेमंद है इसीलिए लोग इसकी पूजा करते हैं ताकि इसे कटने से बचाया जा सके, और इसीलिए बोला जाता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है ताकि लोग इन्हें काटने से डरें। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लिए सभी पेड़ पौधे एक समान हैं और हमें पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए और ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।